हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे आउटलायर डॉट एआई के बारे में। उसमें क्या क्या होता है, क्या आउटलायर डॉट एआई क्या है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या था आउटलायर डॉट एआई के साथ, और जो क्या इश्यूज हैं वो मैंने फेस किए इस प्लेटफॉर्म के साथ, और मैं लास्ट में रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी बताऊँगा कि ये जेन्युइन है, स्कैम है, क्या है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आउटलायर डॉट एआई बेसिकली क्या है, एक वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करता है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि एआई ट्रेनिंग को आपको उसका जो भी चीज़ें रहती हैं उसको आपको मैनुअली करना पड़ता है, कि जैसे जो भी एआई जनरेट करता है चीज़ें, तो वो कभी कभी क्या होती हैं कि गलत होती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है कि उस चीज़ों को आपसे रिव्यू करा के काम करवाता है। तो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, इंडिया के हिसाब से आप देखें तो आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी। इनकी हायरिंग बहुत सारी होती है, बंगाली लेटर राइटिंग एक्सपर्टीज फॉर एआई ट्रेनिंग, ऐसे ही कोडिंग की हैं जॉब्स, और मैं दिखाता हूँ आपको मैथ की जॉब्स मिल जाएंगी, आपको बंगाली राइटर्स की मिल जाएगी, और आपको गुजराती राइटर्स, हिंदी राइटर, रिमोट एआई ट्रेनिंग फॉर हिंदी राइटर्स, इंडियन इंग्लिश राइटर्स, और ऐसे ही बहुत सारी इंडियन के लिए जॉब है जो ये प्रोवाइड करते हैं, तेलुगु, तमिल, उर्दू इंडियन राइटर्स। तो और ये एआई की ट्रेनिंग के लिए ये रिक्रूटमेंट करते हैं और ये जॉब करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा, हो सकता है आपको कहीं पे मेल आए। तो मुझे क्या हुआ था, मुझे लिंक्डइन पे मेल आया था कि जेन फिलिपिए की तरफ से, कि आई एम अ रिक्रूटर एट आउटलेयर, अ कंपनी डेट हायर्स फ्रीलांसर टू इम्प्रूव देयर एआई मॉडल्स बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमन फीडबैक। इन दिस रोल यू विल रिव्यू एंड एक्सेस बोथ एआई एंड अदर कोडर्स वर्किंग जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और C++। अल्टीमेटली गोल क्या था कि मुझे जो इन एआई मॉडल्स को टीच करना था कि कोडिंग कैसा होता है, और उन्होंने बोला कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अच्छी लगी, दैट्स व्हाई वी वांट टू हायर यू। और उन्होंने बताया कि क्यों आप एआई आउटलायर के साथ वर्क करना चाहोगे। तो उन्होंने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि आप जब चाहो जब काम कर सकते हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आप अपनी जॉब के साथ इसमें एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, डॉलर के हिसाब से दिया है पर आवर, यहाँ पे $10 पर आवर। और ये इन्होंने बोला है कि आप 7 डेज के अंदर या कम में ही आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे अप्लाई ना होगा, वो बटन देते हैं, यहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। तो आप इस वेबसाइट पे चले जाते हो, तो यहाँ से आपको व्यू अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है, जिस हायरिंग के लिए भी आपको मेल करते हैं। अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आप जैसे जैसे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इनका रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है, असेसमेंट क्लियर करना होता है तभी आप को काम ये लोग टास्क असाइन करते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके आउटलायर के रिव्यूज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है जहाँ पे जो इसका रिव्यूज़ है वो 151 लोगों ने इसका अब तक रिव्यूज़ दिया है, 66% जो है 1 स्टार है इसको। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा है इसमें इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं। तो आप रिव्यू पढ़ते हैं, जैसे जेम्स कुक ने 17 अगस्त को रिव्यू दिया, आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगनिंग। तो भैया कि समझ में नहीं आता, इनको भी लिंक्डइन के थ्रू कॉन्टेक्ट किया गया था मटेरियल साइंस के लिए, ऑनबोर्डिंग थोड़ा सा लेंदी हुआ, फिर ऑनबोर्डिंग वो होने के बाद जो है उनका पता ही नहीं चलता था कि उसके बाद कोई कम्युनिकेशन मेल नहीं आता था आउटलायर की तरफ से। तो इनका एक्सपीरियंस रहा, और ऐसे ही एक दूसरे ओरेन की तरफ से लेटेस्ट काउंट रेडफ्लैक्स, तो ये भी इनको सही नहीं लगा प्लेटफॉर्म, अकाउंट गॉट फ्लैग्ड फॉर फॉल्स रीजन, आई कुडंट इवन डिस्पुट। जैसे जैसे आप वर्क करना शुरू कर दोगे तो शुरू में लोग अच्छा पे आउट भी देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद आपका क्या है कि आपका अकाउंट को रेड फ्लैग कर देंगे, आप सही से काम नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है, जोक ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड, इन्होंने लिखा है कि सही से प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता, ट्रेनिंग भी सही से नहीं मिलती, एक्सप्लेनेशंस नहीं है कुछ भी। तो आउटलायर इज इन बैड एब्सोल्यूट फेम। अब देखो किसी किसी ने 5 स्टार भी दिए, आप देख सकते हो माय आउटलायर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कि वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ वर्क टीम आई हैव नथिंग बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो क्या है कि आपका लक है, आपको हो सकता है जो वर्क असाइंड हो जिसके लिए उन्होंने आपको मेल किया उसमें आपको अलग अच्छा हो, तो आपको क्या होगा फौरन असेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा, आपकी मेल भी आ जाएगा, फिर आपको टास्क भी असाइन कर देंगे, और $10 है वो पर आवर के रेट के हिसाब से आपको मिलने भी लगेंगे। बट किसी के साथ क्या हो रहा है, मोस्टली के साथ क्या हो रहा है कि नहीं अच्छा रिव्यू है और उनका पे आउट अच्छा नहीं है, या असेसमेंट के बाद कोई उनको कॉन्टैक्ट मेल ही नहीं आता, असेसमेंट के बाद कोई उनका प्रोसेस मालूम नहीं चलता, तो ये भी इशू है। तो आप देख सकते हैं 5 स्टार दिस कंपनी है सम ग्रोइंग पेंस। तो सबके साथ होता है कि ये प्लेटफॉर्म है, इनको क्या है कि यहाँ से आप जब काम करोगे तो ही उनको प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा तो वो आपको पे आउट करेंगे। एक और चीज़ है, इनका
जो है आपको जो भी स्किल सेट में लोग हायर कर रहे हैं, अगर आप उस स्किल सेट में बहुत अच्छे हो तो ही आप उस टास्क को कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो वेबसाइट है ट्रस्ट, एक जो आउटलायर उसी पे जाके आपको पूरा मेंशन करके काम करना पड़ता है। आप जैसे एआई की मदद तो ले सकते हो काम करते वक्त, बट क्या है कि थोड़ा बहुत वो ह्यूमन जो है वो राइटिंग चाहते हैं वो लोग। अगर एआई से आप लिखोगे तो फिर जाहिर सी बात इशू होगा, फिर आपका पे आउट में भी इशू होगा। तो एक और आप देख सकते हो, कमेंट ऑनेस्ट कंपनी पेज वेरी वेल इफ यू गुड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, हैव सम इश्यूज हियर एंड डेट बट नॉट ब्लेम द क्यूएमएस फॉर इट। माई एक्सपीरियंस सो फार, आई हैव बीन वर्किंग इन आउटलायर सिंस जून 14 एंड आई वाज। तो इनको भी अच्छा लगा, तो बट ये है कि अब जैसे जैसे आप वर्क करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मेरा भी पर्सनल यही था कि मैंने अप्लाई किया, कोडिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था। शुरू शुरू में मुझे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मुझे भी पे आउट अच्छा मिला, बट हल्के हल्के क्या हुआ, पे आउट उन्होंने कम कर दिया, $5 $3 पर आवर। तो टाइम वेस्टेज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शुरू में बहुत सारे टास्क मिलते हैं बट लास्ट में क्या होता है कि टास्क ही असाइन नहीं करते हैं, तो आपको वो टाइम वेस्टेज होगा। तो बहुत सारे और इश्यूज जैसे मैंने फेस किए, लिंकर इश्यूज आ रहा था, पेइंग गोइंग डाउन एज यू स्टार्ट वर्किंग, लाइक और भी चैलेंजेस आ रहे हैं जो फ्रस्ट्रेशन के वो होते हैं। तो एक तरह से वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट एज पर माई नॉलेज लाइक इसको फुल टाइम नहीं कर सकते आप, क्योंकि कभी कभी टास्क ये लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। आप फुल टाइम के भरोसे रहोगे और आपको टास्क मिलेगा नहीं तो आपको ये इशू होगा। पार्ट टाइम के लिए कंसीडर कर सकते हो, अगर आप उस स्किल सेट में बहुत अच्छे हो तभी आप अप्लाई करो, और असेसमेंट को क्लियर करने के बाद ये लोग असाइन करते हैं टास्क। आपका लक अच्छा रहा तो आपको अच्छा पे आउट भी करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, बट ये है कि लक के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी जो टीम, हायरिंग टीम, वो किस किसके अकॉर्डिंग आपकी तरफ लाइक वो जो भी रोल उन्होंने असाइन किया, अगर वो जल्दी जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, अदरवाइज नुकसान होना है। तो आप कमेंट में जो भी इशूज हैं आपके वो मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लाइक मैं उनका रिप्लाई करूंगा, जो भी आपके इशूज़ हैं वो कमेंट में मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।